इन पर पीएसए हटाया गया और इनको आज रिलीज़ किया गया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम साथियों को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का या उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला साहब का तल्लक है, ये एक सिंबल हैं सेकुलरिज्म के, डेमोक्रेसी के और सोशलिज्म के इस रियासत में। तो लिहाजा इनको गिरफ़्तार करना मैं समझता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, और इनको गिरफ़्तार करके एक अच्छा सिग्नल पूरे मुल्क में नहीं गया, क्योंकि मुल्क के हर कोने से आवाज़ आ रही थी कि ये जो सेकुलर लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी लोग हैं, इनको छोड़ना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जो बाकी लोग भी उन्होंने पकड़े हैं उनको भी छोड़ा जाए। ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 तोड़ी गई, तो उसके बाद कुछ नेताओं को जो वहाँ के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, हिरासत में लिया गया था। 7 महीने बीत गए, कश्मीर में आज अमन और शांति बनी है। कुछ जो कंपनियां हैं वो उनको सुरक्षा वालों की उसको वापस भी भेजा गया है। हालात सामान्य हुए, तो इसी कारण से कि हालात ना बिगड़े इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। आज हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अच्छा फैसला किया है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। उमर अब्दुल्ला साहब की इतनी लंबी डिटेंशन जो है वो गैर कानूनी थी, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट को कहा था, निर्देश दिए थे कि 1 हफ्ते के अंदर आप फैसला लीजिए। और इस वक्त चूँकि लॉकडाउन है ऑलरेडी, और इस वक्त ये फैसला लिया गया है, देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं।